यीशु दुष्टात्मा से भरे मानुष को और एक बीमार बाई को ताजरो करते। यीशु और ओके चेला नाउन अपने डोंगा में वो देश को गईन जहाँ पे गिरासेनी लोग रहत होती। ही लोग वो देश में पहुंचीन और अपने डोंगा से उतर गईन। वहाँ एक मानुष होती जो दुष्ट आत्मा से भरो होती। यो मानुष इतनो शक्तिशाली होतीस कि कोई भी ओको बस में नहीं कर सकत होती। बहुत सारे लोग नाउन ने ओके हाथ और पाय को बड़ी संकली से बांधे होती पर उनको भी तोड़ देत होती। यो मानुष हु देश में गुफा नाउन में रहत होती। यो मानुष पूरे दिन और रात चिल्लायो करत होती। हु कपड़ा नी पहनत होती और हमेशा खुद को गोटा से घायल करत होती। वो मानुष धाव के यीशु के जवराई और ओके सामूर टोंगरा टेक दे। तब यीशु ने वो मानुष के भीतर की दुष्ट आत्मा से बात करी और बोलिस यो मानुष से बाहर निकला। तब वह दुष्ट आत्मा ऊंची आवाज से चिल्लाई, हे यीशु सबसे बड़ो परमेश्वर के टूरा, तो को मोरे से का काम, दया करके मोको मत सता। तब यीशु ने वो दुष्ट आत्मा से पूछी, तोरो नाम का है? उन्हें उत्तर देस, मोरो नाम सेना है, काया कि हम बहुत हन। रोमी सेना में कई हजार सैनिक को एक झुंड की एक सेना होते। ही दुष्ट आत्मा नाउन ने यीशु से विनती करिन कि दया करके हमा को एक में से बाहर मत भेज। वहां जवरच पहाड़ी पे डुक्कर नाउन को एक झुंड चरत होती। एके गुना ही दुष्ट आत्मा नाउन ने यीशु से विनती करीन कि दया करके हमा को हुन डुक्कर नाउन के झुंड में भेज दे। यीशु ने कहिस, ठीक है हुनके में चले जाओ। एके गुना ही दुष्ट आत्मा नाउन हु मानुष में से निकल गई और ही डुक्कर नाउन में घुस गई। ही डुक्कर नाउन धाव के एक थाड़े चोटी पे से झील में कूद गई और डूब के मर गई। वो झुंड में लगभग 2000 डुक्कर होती। वहाँ पे ही डुक्कर नाउन की देखरेख करण वाले लोग होती। जो कई भयतीस जब उनने देखी तो ही लोग शहर में भग गई। यीशु ने जो करे होतीस वहाँ पे उनने सब लोग नाउन को बताई। ही शहर के लोग निकल के आई और वो मानुष को देखी जेके में दुष्ट आत्मा होती। वो शांति से कपड़ा पहन के और एक साधारण मानुष के सार को साजरो व्यवहार करतो हुओ बैठो होती। ही लोग बहुत डरो हुओ होती और हुन्ने यीशु को चले जान के गुना कहीन। एके गुना यीशु डोंगा पे चढ़ गई। वो मानुष जेके में दुष्ट आत्मा होती ओने यीशु के संग जान की विनती करीस। पर यीशु ने ओके से कहीस, नी मैं चाहतम कि तू घर जाए के सब लोग ना उनको बताबे कि परमेश्वर ने तोरे गुना का करीस है। उनको बता कि परमेश्वर ने कसो तोरे पे दया करे होतीस। एके गुना हु मानुष चलो गईस और सब पाई लोग को या बात के बारे में बताईस जो यीशु ने ओके गुना करे होतीस। ओकी या कहानी को सुनन वालो हर एक जन बहुत चकित भय गई। यीशु झील के दूसरे किना लौट के आईस। ओको वहां पहुंचन के बाद एक बड़ी गर्दी ओके आसपास जमा भय गई और ओको दबान लगी। वाज गर्दी में एक बाई होती जो 12 साल से खून बहन वाली बीमारी से परेशान होती। उन्हें अपनो पूरो धन डॉक्टर के किना खर्चा कर दी होती ताकि हु ओको साजरो कर सके, पर ओकी बीमारी और भी ज्यादा बिगड़ गई होती। उन्हें सुनी होती कि यीशु ने कई बीमार लोग नाउन को साजरो करी सोतीस और उन्हें सोची, मैं पक्की जानतम कि अगर मैं सिर्फ यीशु के कपड़ा को छू लेऊ तो मैं साजरी हो जाऊं। एके गुनवा यीशु के पीछे से आई और ओके कपड़ा को छू ले। जसोच उन्हें ओको छुई खून को बहनो बंद भय गई। तुरुतच यीशु ने जान ले इसकी ओके में से सामर्थ निकली है। एके गुना ओने पीछे पलट के पूछिस, मोको कौन छुई?
चेला नाउन ने उत्तर देन, यहाँ पे इतने सारे लोग हत जो तोरे चारे की ना गर्दी है और तो को ढकेल रही न है, तो तूने काया पूछेस की मोको कोने छुईस। वह बाई यीशु के सामूर कपत कपत और बहुत डर के मारे अपने टोंगरा टेक के बैठ गई। फिर उन्हें ओको बता दे कि उन्हें का करी है और यो भी कि वह साजरी भय गई है। यीशु ने ओके से कहिस, तोरे विश्वास ने तो को साजरो करिस है, शांति से चली जा।